Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका आज के मुख्य डिफेंस न्यूज में। और आज के पहले डिफेंस न्यूज में हम बात करने वाले हैं आज ही लॉन्च किए गए इंडियन नेवी द्वारा सबमरीन के बारे में। तो जी हां दोस्तों, जैसा कि हम इस बारे में पहले भी रिपोर्ट कर चुके हैं कि ये सबमरीन 6 मई को लॉन्च किया जाने वाला था और एज स्केड्यूल इस स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन को आज लॉन्च कर दिया गया है अपने ट्रायल्स के लिए। और ऐसी उम्मीद है कि 2020 के मध्य तक इसे कमीशन कर लिया जाएगा इंडियन नेवी में। जैसा कि आप सबको बता दूं, ये INS वेला जो कि प्रोजेक्ट P75 सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग का ही पार्ट है, जिसे डेवलप किया गया है MDL और फ्रेंच कंपनी नेवल ग्रुप के कोलैबोरेशन में। और इस डील को साइन किया गया था 2006 में। उसके बाद ये प्रोजेक्ट अपने समय से 5 साल डिले हुआ है। और उस डिले के बाद इस प्रोजेक्ट का जो पहला सबमरीन था वो 2017 में इंडियन नेवी में कमीशन किया गया था, INS कालवेरी। और जैसा कि आप सबको पता ही होगा, इसके जो अगले सबमरीन से INS वागीर और INS वागश्री वो अपने फाइनल स्टेज में है मैन्युफैक्चरिंग के। और ऐसी उम्मीद है कि 2021-22 तक वो भी इंडियन नेवी में कमीशन कर लिए जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी डिफेंस न्यूज की तरफ। और आज की दूसरी डिफेंस न्यूज भी इंडियन नेवी को लेके ही है। तो जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, इससे पहले भी हम रिपोर्ट कर चुके हैं कि इंडियन नेवी ब्रिटेन के साथ टच में है एक नए एयरक्राफ्ट कैरियर के डिजाइन को लेके। तो जी हां दोस्तों, उसी से जुड़ी एक खबर आ रही है जिसके अंतर्गत इंडियन नेवी के एक डेलीगेशन ने स्कॉटलैंड स्थित रोजी डॉक यार्ड विजिट किया है, जहां पे HMS क्वीन एलिजाबेथ को, जो कि ब्रिटेन का एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसे बनाया गया था। और उस जगह को इंडियन नेवी के कुछ डेलीगेशन ने विजिट किया है। और ऐसी खबरें सामने आ रही है कि इंडियन नेवी ब्रिटेन के साथ HMS क्वीन एलिजाबेथ के डिजाइन डील को जल्दी साइन करने वाली है। और इसको लेकर अभी दोनों पार्टी नेगोशिएशन में हैं। जैसा कि मैं आप सबको बता देना चाहूंगा, ये जो डिजाइन है ये तकरीबन 65,000 टन कैटेगरी के एयरक्राफ्ट कैरियर को मैन्युफैक्चर करने की फ्रेमवर्क है। और ऐसा माना जा रहा है कि यही डिजाइन इंडियन नेवी यूज करेगी अपने नए कैरियर में, जिसे INS विशाल के नाम से बताया जा रहा है। अगर ये डील साइन होती है तो ऐसी उम्मीद है कि जो मोस्ट ऑफ द पार्ट्स हैं इस एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर वो यूके की कंपनियां सप्लाई करेंगी। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, इंडिया के पास जो अभी करंट INS विक्रमादित्य है वो एक 45,000 टन कैटेगरी का एयरक्राफ्ट कैरियर है। वहीं पे इंडिया का जो सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत, वो तकरीबन 40 टन कैटेगरी का एयरक्राफ्ट कैरियर है। लेकिन अब जो ये प्लानिंग चल रही है INS विशाल की, ये सबसे हाईएस्ट होगा वेट कैटेगरी के लिहाज से इंडियन नेवी में, जो कि 65 टन कैटेगरी का एयरक्राफ्ट कैरियर होने जा रहा है। और इसमें जो मुख्य कंपनियां पार्टिसिपेट करेंगी यूके की तरफ से, वो BAE सिस्टम और थेल्स बताई जा रही हैं। तो इस चीज को लेकर आप लोगों के थॉट्स है कमेंट सेक्शन जरूर बताना। तो चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे डिफेंस न्यूज की तरफ। और आज के तीसरे डिफेंस न्यूज में बात करने वाले हैं एक अश्योरेंस को लेके। तो जी हां दोस्तों, ये खबर US की तरफ से आ रही है, जहां पे US ने इंडिया को ये आश्वासन दिया है एक स्टेटमेंट के जरिए कि वो ईरान पे लगाए गए सैंक्शन के बाद जो इंडिया का ऑयल इंपोर्ट इफेक्ट हो रहा है, उस ऑयल सप्लाई और इंपोर्ट को इंडिया के लिए वो कुछ ना कुछ मैनेज करेंगे। चाहे इसको लेके उन्हें सऊदी अरेबिया से बात करनी हो या फिर अरब अमीरात से बात करनी हो, तो वो हर रास्ते ढूंढने को तैयार हैं जिससे कि इंडिया की जो ऑयल सप्लाई है उसे पूरी की जा सके। तो ऐसा आश्वासन दिया है US के ट्रेड सेक्रेटरी ने फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी को। अगर उनके वर्ड्स एग्जैक्टली माने तो उनका कहना यह है कि अभी USA सऊदी अरेबिया और UAE से अभी टॉक्स में है कि इंडिया की जितनी भी डिमांड है ऑयल की, उसे कहीं ना कहीं से पूरी की जाए। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, दिसंबर में ईरान पे US के सैंक्शन लग गए थे, लेकिन उसके बाद भी 6 महीने की लीवरेज दी गई थी इंडिया को और बाकी के कुछ कंट्रीज को कि वो ईरान से ऑयल इंपोर्ट कर सकते हैं। और वो 6 महीने का जो डेडलाइन था, May 1st को खत्म हो जाना था, और जिसके बाद ताइवान, जापान और इंडिया जैसी कंट्रियों ने ईरान से ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दिया। और उसी के अल्टरनेटिव सप्लाई को लेके US अरेंजमेंट करना चाह रहा है सऊदी अरेबिया, कुवैत, UAE, मैक्सिको से। तो इस चीज़ को लेकर आप लोगों के क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन जरूर बताना। तो आज के मुख्य डिफेंस न्यूज में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई कि बस लाइक, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। जय हिंद।